मान रही हूँ हम इस बैरियर टाउन के गेट पे मौजूद हैं और वो सामने आपको हाईवे नजर आ रहा होगा, गाड़ियां चल रही हैं बिल्कुल गेट के ऊपर। हमारे ट्रिपल ए के जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बिल्डर हैं, डेवलपर हैं, ट्रिपल ए वालों ने, फवाद साहब ने यहाँ पर मेन रोड के ऊपर बैरियर टाउन में प्लॉट लिया और वैसे जैसे इस्लामाबाद में इनका प्रोजेक्ट है जिसके अंदर 15 फ्लोर पीसी होटल के, वैसे यहाँ पर प्रोजेक्ट बनने जा रहे हैं। इस वक्त पाकिस्तान का फखर, आलमी शोहरत याफ्ता क्रिकेटर भी है नेशनल और उसके अलावा सामाजिक कामों के हवाले से शायद आफरीदी फाउंडेशन को कौन नहीं जानता, उनके सरबरा शायद आफरीदी साहब यहाँ मौजूद हैं। शायद खैरियत से शायद भाई आज इनकी जानिब से कुर्बानी भरा है मुस्तैकीन के लिए, एक पाकिस्तान का सबसे बड़ा सिबी बैल दिया जा रहा है। क्या आपने अपनी लाइफ में इतना बड़ा बैल इससे पहले देखा था? यार मैं तो हैरान हूँ हकीकत में, देखे बहुत ही जबरदस्त और बड़ी जबरदस्त परवरिश की है आपने मेरे ख्याल में। सही, इन्होंने एक साल पहले लिया था, उसको पलाई में रखा था और अभी ये कुर्बानी के लिए दे रहे हैं। बहुत बड़ा, अभी आपको इसकी चादर उतार के भी दिखाते हैं। सही सर, इसकी चादर उतारना भाई तुम लोग। फवाद भाई, ये जो यहाँ पर आप लोगों ने एक्सपो बुक किया है 17 और 18 को, अकेले पूरा एक्सपो बुक किया है, ये क्या रीजन है, इसके पीछे क्या वजह है? नहीं, असल में बेचारे जितने लोग हमसे फाइल खरीद रहे हैं कराची में ना, उन सबको हम लोग इनवाइट करें, जिस तरह एक प्रॉपर अवार्ड सेरेमनी होती है वहाँ लाके सारी फेमस सेलिब्रिटीज से उनको फाइल दिलवाई जाए। ठीक है, वहाँ पे खुद मौजूद होंगे 17 तारीख को इंशाल्लाह, आप लोग सब आए प्लीज। बिल्कुल, 2.5 लाख रुपए की फाइल का क्या कॉन्सेप्ट है? 2.5 लाख में फाइल दे रहे हो, 11,000 रुपए किस्त, यानी कि मेरे ख्याल में 60-70 डॉलर ही बनेगा ये तो किस्त, या इससे भी कम नहीं, 30 डॉलर बनेगी शायद। यार मेरे ख्याल में ना हर बंदे को मौका मिलना चाहिए कि वो इतनी बड़ी ना बिल्डिंग का हिस्सा बन सके, तो यहाँ पे जितने लोग हैं ना वो ये सोचते हैं कि जब तक करोड़ों नहीं होंगे तो हम चीज नहीं खरीद सकते, हम चाहते हैं क्या वो 3 लाख रुपया डाउन पेमेंट, 2.5 लाख रुपया डाउन पेमेंट दे के, 13,000 किस्त दे के भी ना वो एक बड़ी सी बिल्डिंग या एक अच्छी कहते ना नई चीज जो कराची वाली उसका हिस्सा बन। लोग यकीन नहीं कर रहे 35 मंजिला, वो भी बैरियर टाउन के गेट पे, ये तो मतलब टूल प्लाजा नजर आ रहे हैं यहाँ से। यानी 17 और 18 को एक्सपो सेंटर पहुंचेगा, जो भी आपकी फाइल खरीदेगा लाला अपने हाथ से उसको फाइल दे रहे होंगे, सेलिब्रिटीज अपने हाथ से दे रही होंगी। बिल्कुल ऐसे, फाइल जो है ना उसकी बुकिंग ओपन करें 25 से लेकर 10 तक आप परचेज कर सकते हो, उसके बाद कंपनी से नहीं मिलेगी आपको। अच्छा, फिर वो मार्केट से? वो मार्केट से मिलेगी, क्योंकि 10 के बाद कंपनी जो ना अपना सेल्स क्लोज कर रही है, तो आपके पास 15 दिन है तो बुक है। हम आपके नंबर डाल देते हैं स्टूडियो में, जबरदस्त अपॉर्चुनिटी है सारों के लिए, इन्वेस्ट करना चाहे लाला आए आपको करीब से दिखाएं, जानवर है क्या? और भी करीब होने इसके नहीं, आपको पीछे दिखाते हैं इतना बड़ा जानवर। सर ये देखें बंदे की हाइट से कितना ऊपर है, आए आए इधर से देखें लाला, आपको दिखाते हैं, आपको दिखा रहे हैं शायद भाई, देखें आपको इसकी कमर नजर आ रही है क्या यहाँ से? फवाद भाई आपकी हाइट तो फिर बहुत लंबी है। कमर तो नहीं, कमरा नजर आ रहा है माशाल्लाह, हाइट कैसी है? बहुत बड़ी हाइट है। आए जैसे आए आज ट्रिपल ए एसोसिएट की जानिब से लाला के हाथ से जेडीसी को कुर्बानी भरा है मुस्तैकीन के लिए, पाकिस्तान का सबसे बड़ा, बल्कि दावा ये किया जा रहा है कि दुनिया में सिब्बी का इससे बड़ा बैल, जो सिब्बी की ग्रोथ करते हैं लोग, ले जाते हैं परवरिश करते हैं, इतना बड़ा बैल किसी ने नहीं देखा, ये अब जेडीसी को इन्होंने दिया है कुर्बानी भरा है मुस्तैकीन के लिए, और इसमें कोई दो राय नहीं है। शाहिद अफरीदी फाउंडेशन जो काम पाकिस्तान में कर रही है फलाह इंसानियत के लिए, वो भी किसी से ढकी छुपी नहीं है, और हम बल्कि गुजारिश करेंगे शाहिद भाई अगर ईद के दूसरे दिन आप टाइम निकालें, आए अपने हाथ से कुर्बान करें तो बड़ा अच्छा लगेगा लोगों को। मैं इंशाल्लाह डेफिनेटली आऊंगा, बिल्कुल आऊंगा, और इस तरह का काम माशाल्लाह आप लोग कर रहे हैं कि बेटा एक्सलेंट। शायद अभी भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ तो मुस्तफापुर रोडों में मुतासरी ने सैलाब की बस्तियों में बस्तियां जेडीसी तामीर कर रही है, तामीर आज इस वक्त तामीरात जा रही है। एक्सलेंट, आप यहाँ संभाले, मैं बलोचिस्तान के भी के संभाल, इंशाल्लाह अल्लाह ताला आपको और कामयाबी दे। फवाद भाई बहुत शुक्रिया, तो 17 और 18 को एक्सपो सेंटर बढ़ने वाला है। ये एक्सपो सेंटर इंशाल्लाह बढ़ने वाला है, बल्कि मेरे ख्याल में ना मुझे तो अच्छी बात ये लग रही है कि जिस तरह आप दोनों फाउंडेशन इस मुल्क के लिए कर रही हैं, इससे बेहतर कुछ भी नहीं है, और मैंने आपको पहले भी बताया था कि इंशाल्लाह इस बिल्डिंग में जो भी रेवेन्यू आएगा उसका 2% सिर्फ कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, जो भी बंदा फाइल खरीद रहा है उसमें कराची के इंफ्रास्ट्रक्चर में हम पैसा लगाने वाले हैं, जो भी हमें कमाई होगी उसमें से हम इस शहर के लिए लाजमी वक्त करेंगे। अब मैं ये बता दूं देखने वालों को, जो इस्लामाबाद में पिम्स अस्पताल के बाहर मोबाइल रेस्टोरेंट हमें दिया गया था ऐसे 3 साल पहले, वो भी नहीं की जाने से दिया गया था, और भी दीगर प्रोजेक्ट्स में सैलाब जलजला इन तमाम चीजों में सपोर्ट करते हैं, जो पीसी होटल के 15 फ्लोर इस्लामाबाद में ऑक्टो टावर है वो भी नहीं का प्रोजेक्ट, अब ये कराची आ चुके हैं और हम आपको वेलकम करते हैं, और बहुत शुक्रिया आपने सोचा, यहाँ के लोगों के लिए सोचा। शाहिद भाई आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच, शुक्रिया अदा करेंगे फवाद के, इस्लामाबाद से कराची आए और यहाँ पे बिजनेस अपॉर्चुनिटी, इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सबको मिल रही है, बड़ी बात है। वेलकम फवाद भाई, लाला जैसे दोस्त हैं, आप जैसे लोग हैं, इस वजह से हम आए। अच्छा एक और चीज, एक और बड़ी अच्छी चीज जो इनकी गवर्नर साहब के साथ अभी हुई है, मैं आपकी नॉलेज में लाऊं, ये अभी 500 माजूर अफराद जो व्हील चेयर पे होते हैं उनको जॉब्स देने जा रहे हैं कॉल सेंटर की, कि अगर आपको अच्छी उर्दू बोलना आती है आ जाइए 50,000 से 1 लाख रुपए की नौकरी ले लें, ये भी बड़ा काम कर रहे हैं बिजनेस के साथ साथ इस तरह की सोशल काम। मुझे लगता है कि लोगों को ना यहाँ पे काम करके पैसा कमा के ज्यादा,
उनके पास अपॉर्चुनिटी है क्योंकि जो कॉल सेंटर में पावर है उसमें आपने बैठ के कॉलिंग करनी है, सेल्स करनी है, प्राइवेट सेक्टर का होना जरूरी है, अच्छी कमाई हासिल करनी है। बिल्कुल ऐसे, बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू लाला, आपको बहुत शुक्रिया। आप लोगों ने इतना बड़ा जानवर इससे पहले कभी देखा है तो पहले इस वीडियो को ना शेयर किया, वरना इस वीडियो को लाजमी शेयर करना और लोगों तक पैगाम जाए। अभी हाउस ऑफ जेडीसी जा रहे हैं, पुरानी पर हम स्टैकिंग जानवरों की आमद का सिलसिला शुरू है, सैकड़ों ऊंट खरीदे जाएंगे, मजीद जानवर खरीदे जा रहे हैं। एक बार फिर आपको करीब से दिखा दूं जानवर की हाइट है कितनी, लंबे लंबे लोगों की भी हाइट से बहुत ऊंचा है। एक साल पहले इन्होंने दिया था और एक पलाई पे था, अभी इस साल कुर्बानी के लिए तैयार हो चुका है। देखिए इस आदमी की हाइट से कितना ऊपर है, नॉर्मल इंसान की हाइट से। ये इंशाल्लाह हाउस ऑफ जेडीसी जा रहे हैं, आप लोग वहाँ आके देख भी सकते हैं। अच्छा, मैं अभी फवाद भाई से पूछ रहा था कि ये जानवर तो रवाना हो रहा है हाउस ऑफ जेडीसी के लिए, कि ये जो आपका प्लॉट है और ये सामने हाईवे पर चल रहा है और वो सामने उस तरफ गेट है बैरिया टाउन का, इधर टूल प्लाजा है, आपका गेट किधर होगा इस प्रोजेक्ट का 34 मंजिला का? जफर भाई इंशाल्लाह इसकी एंट्रेंस इस पूरे कमर्शियल की एंट्रेंस बैरिया टाउन इधर से देनी है, मेन हाईवे से। अच्छा, डायरेक्ट हाईवे से आपके प्रोजेक्ट? डायरेक्ट हाईवे से प्रोजेक्ट में ये जो रोड चल रहा है, ये रोड चल रहा है। अच्छा, और बैरिया टाउन का ये जो सोसाइटी अंदर है आपका, उसके अलावा हट के अलग से हो गया एंट्रेंस? नहीं नहीं, बेसिकली मेरी पूरा कमर्शियल जो है ना ये M9 कमर्शियल के रहता है। अच्छा, और पिछले दिनों भी इन्होंने यहाँ पे गेट खोला था। अच्छा, गेट खुलेगा वहीं से एंट्रेंस होगी डायरेक्ट टू द होटल। तो मैंने देखा यहाँ माशाल्लाह बोर्ड लग चुका है, आए चलें लेके चलते हैं जानवर, बाकी अपडेट 17 और 18 के एक्सपो सेंटर में आप लोगों को मिल भी जाएगी। चलें लोड करें इसको गाड़ी में, देखने गलत तरफ ना जाए। तो टिप्पल की जानिब से जो शाहिद आफरीदी साहब के जो हमारे नेशनल हीरो, उनके हाथ से जो जानवर दिया गया कुर्बानी बराए मुस्तैकीन के लिए हाउस ऑफ जेडीसी पहुंच चुका है।